अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी तालियां फरीद याज और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत है? थोड़ी तादाद में कम है आप लोग, क्या बताएं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कम होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं
कभी हमें जगह ही नहीं मिलती है और कभी पूरी 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 जगह खाली होती हैं, क्या वजह है? सब खैर है ना? हैं हैं वाकई, इसलिए अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो आपके लिए हमेशा ही बहुत कुछ लेके आते हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा कुछ लेके आए हैं। दही पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है कि दही दरअसल होती क्या है। अब पता नहीं दही होती है या होता है, हमेशा एक किस्सा है, दही होता है या होती है, वी डू नॉट नो। मैं समझता हूँ दही मुअन्नस है, कुछ लोग कहते हैं दही मुज़क्कर है। अब मुझे नहीं पता कि दही मुज़क्कर है या मुअन्नस है, लेकिन दही जो कुछ भी है, दही हमारे हर काम में इस्तेमाल होती है। कुछ लोग कहेंगे होता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि दही जो है अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं बनती, कढ़ाई अच्छी नहीं बनती, बहुत सारी और चीज़ें अच्छी नहीं बनती, लेकिन कढ़ी भी नहीं बनती, और कढ़ी मेरी फेवरेट है, कढ़ी भी नहीं बनती, लेकिन लेकिन क्या दही से कोई और काम लिया जा सकता है? आइए आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। आज हम जिस चीज के टोटके आपके सामने पेश कर रहे हैं वो खास तौर पर इस मौसम में तो बहुत ही मौसर होती है। इसको दूध की बहन भी कहा जा सकता है। इससे बनाई जाती है लस्सी, समझ तो आप गए होंगे। हम बात कर रहे हैं दही की। दही सिर्फ खाने में डालने और लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसको आप अपनी सेहत और खूबसूरती में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आपकी जिल्द और बालों के लिए निहायत मुफीद है। इससे आप सफेद होते बालों को काला कर सकते हैं, बीपी और शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी है खुशखबरी जो है अच्छे खासे मोटे, क्योंकि दही से मोटापे से निजात भी पा सकते हैं और इसी दही से पा सकते हैं सेहतमंद दिल। और अगर आपको सुस्ती, नकाहत और कमजोरी की है शिकायत, तो इसमें भी दही है आपके लिए बेपना मुफीद। इसके साथ साथ दोस्तों जमाल भी है दही का कमाल। तो आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपको दही से बने कौन कौन से हैरतअंगेज टोटके सिखाते हैं। आइए देखते हैं ये सब पाकिस्तान के नंबर वन मॉर्निंग शो आपका साहिर में। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं शाह नजीर साहब, बहुत सारी तालियां शाह नजीर साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। बहुत अरसे के बाद हमारी गली में भी चांद निकला है, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हकीम रजा इलाही साहब मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां। सलमा मौजूद हैं, सलमा एक ऐसी गाड़ी में आती हैं जो इनसे साइज में छोटी है, क्यों छोटी है आई हैव नो आइडिया, लेकिन ऑब्वियसली सलमा के लिए बहुत सारी तालियां। मैंने भी गाड़ी देखी। वर्दा हमारे साथ हैं, वर्दा के लिए बहुत सारी तालियां। एंड अरूज हमारे साथ हैं, अरूज के लिए बहुत सारी तालियां। सर आपकी तरफ आता हूं, क्या करने जा रहे हैं आज हम? आज मैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बताऊंगा, हाँ, और इसके अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बताऊंगा, और प्लस विटामिन डी और कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए बताऊंगा। विटामिन डी एंड कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से आउट ऑफ होते हैं तो कैल्शियम को कंट्रोल क्यों करना? देखिए कैल्शियम की जो नहीं कंट्रोल इसलिए करना, उसकी जो मिकदार है आपकी बॉडी में वो 10 होनी चाहिए, बाज़ लोगों के 7-8 होती है, 6 होती है। अच्छा, तो किस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा। ओके जी, सर आप क्या करने वाले? हम करेंगे चिकन गुनिया, जो सर आजकल बहुत हो रहा है चिकन गुनिया। चिकन गुनिया परेशान कुल दुनिया, चिकन गुनिया इस वक्त जो है चिकन गुनिया बाज लोगों को हुआ उतर गया, लेकिन दो दो तीन तीन महीने गुजर गए, जोड़ अभी तक जकड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, एक तो उसका इलाज। अच्छा, चिकन गुनिया में जब हम आपको सिम्टम्स भी बताएंगे कि चिकन गुनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ दर्द होता है आपके नकल्स के अंदर, आपके जोड़ों में, आपके यहाँ दर्द होने लगता है। अभी राजा के बेटे को डालस को हुआ था और बहुत बुरी हालत थी, बुखार जो है वो 103 104 होता है और बदन शदीद टूट रहा होता है, आप करवट भी नहीं ले सकते, और चिकन गुनिया आजकल बहुत आम है। तो आज हम आपको बताएंगे चिकन गुनिया से बचाव का तरीका क्या है और फिर उसका इलाज क्या है, उसका इलाज क्या है, और इसके साथ बताएंगे बुलंद फिशारे खून यानी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, बेख्वाबी का इलाज दही से। बेख्वाबी का इलाज? जी जी, वो भी। वो भी अच्छा, कोई ऐसा नहीं है जो ख्वाब का इलाज बताए ना, मतलब जिनको ख्वाब आते हैं वो क्या करें? सलमा आप क्या बता रही हैं? मैं बताऊंगी बालों के लिए बड़ा अच्छा पैक, जिससे बाल सिल्की और काले स्याह लंबे और एक ही वॉश के अंदर आप हैरान हो जाएंगे। एक ही वॉश में क्या मतलब? एक वॉश में एक दफ़ा लगाने के बाद आप देखेंगे एक वॉश के बाद बालों की कंडीशन क्या होगी। तो सही है कि बड़ा ही बेहतरीन और पुराना टोटका है जो खुश्की के लिए बताऊंगी, जो दही के साथ डैंड्रफ से बिल्कुल मुझे। ओके जी, मैं आपको बताऊंगी कि दही से एसिडिटी की प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा मेजर है, वो एसिडिटी प्रॉब्लम कैसे ख़त्म की जाए, और उसके अलावा वेट लॉस दही से कैसे किया जाए। ओके जी, और मैं बात कर रही हूँ ब्लड प्योरिफिकेशन की,
बेसिकली आपके जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ बैड डाइट, उसके बारे में और दही के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ कैन यू कीप योर हार्ट हेल्दी. हाउ कैन यू कीप योर हार्ट हेल्दी, हार्ट रनिंग, हार्ट हेल्दी, हेल्दी, दिल को आप कैसे हेल्दी रखें, दिल को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, मगर वो दिल फेंकने वाला दिल नहीं. आई अंडरस्टैंड जी, दिल फेंकने वाला बिल्कुल भी नहीं है. बट टेरी जेमन, आपने कहीं नहीं जाना, आपने यहीं रहना है क्योंकि आज का शो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट कोई और शो हो सकता है. ट्रस्ट मी, आज जो हम आपको दही से बताने जा रहे हैं, दही आप डेली यूज करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या दही आपका इलाज कर सकता है या कर सकती है, आई डोंट नो. लेकिन फैसला इस प्रोग्राम के एंड में हो जाएगा कि दही कर सकता है या कर सकती है. लेकिन दही से जो कुछ होगा आज आपके सामने होगा, आपके घर में हैरतअंगेज इस्तेमाल दही का आज इस शो में. छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. अच्छा होता है, स्किन क्लियर होती है और यूजुअली सभी दही खाते हैं और दही का इस्तेमाल भी करना चाहिए. दही में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है अगर दूध से ज़्यादा कैल्शियम दही में पाया जाता है. दही के फ़ायदों में ये फ़ायदा है कि वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके अलावा अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो वो वेट भी आपका लूज़ करता है बहुत ज़्यादा और इसके अलावा अगर आपको मैदे में गर्मी हो रही तो इसके लिए भी बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है. दही के बहुत फ़ायदे और बेशुमार फ़ायदे हैं. अगर हम दही डेली यूज़ करें तो हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारा कलर अच्छा होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा है दही. और बच्चों को ख़ास तौर पर दें इतनी छोटी उम्र में, तो अगर वो केले के साथ खाएंगे दही तो बहुत अच्छा रहता है. दही के यूँ तो बहुत से फ़ायदे हैं, इसमें कैल्शियम है. अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो चाहिए माओं को कि बच्चों को दही दे, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है. दही सिर्फ हमारी स्किन के लिए नहीं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं. अगर हम दही के अंदर हनी या कुछ मिला के बालों में लगाएं जिससे हमारे बाल सॉफ्ट होते हैं, डैंड्रफ हमारी दूर जाती है. बालों के लिए, फेस के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए दही बहुत मुफीद है. ऑलराइट जी, सलमा आपको बालों के बारे में बता रही हैं कि बालों के लिए दही मुफीद कैसे है, जी बताइए. दही बहुत मुफीद है, इससे ना सिर्फ बाल सिल्की हेल्दी और ग्रोथ इनकी अच्छी हो जाती है, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बेहतरीन कंडीशनर के तौर पे यूज़ होता है. और अगर आप रेगुलर बेस पे दही खाने में तो जितना अच्छा, रेगुलर आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद या हफ्ते में दो दफ़ा सिर्फ दही और तेल और अंडा मिक्स करके एक पैक बनाकर लगाते हैं, आपके बाल बेहतरीन रहते हैं, गिरने से बच जाते हैं और सिल्की रहते हैं, सारे बालों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं. फिलहाल साहिर भाई मैं वो पैक बताने लगी हूँ जो कि जैसे यहाँ पर बच्चों को, लड़कों को भी सिकरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बकायदा छिलके उतरते हैं बालों के ऊपर होती और स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, फंगल हो जाती है. उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन, बड़ा मुजरब टोटका है जो कि मेरे घर में बड़ा यूज़ किया जाता है सालों से. और उसके अंदर जो इस्तेमाल होती है, ये जैसे दही शक्कर हम खाते हैं, अगर हम बालों को दही शक्कर लगाना शुरू कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि बालों में से सिकरी ख़त्म हो जाती है. तो इसमें हम जो चीज़ लेंगे वो मेन दही और शक्कर है. इक्वल क्वांटिटी के अंदर हम ले रहे हैं 3 टेबल स्पून, इसके अंदर तकरीबन मैंने शक्कर डाली है, अपने बालों के हिसाब से ले लें. ये स्पेशली लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, 3 टेबल स्पून लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है. नहीं, लड़के स्पेशल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको बताऊँ, लड़कों की जो ये बालगंज होता है ये उसकी वजह ये होती है, सीबम जो आना शुरू हो जाता है, एक उनका काम इस किस्म का होता है, दूसरा वो हेलमेट पहनते हैं बाहर रोड पे, मतलब ड्राइव वगैरह करते हैं, वो अपने बालों की उतनी केयर करते नहीं हैं. तो आपने देखा होगा कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के बालों में सिकरी इस तरह की होती है कि पैचेस पड़े होते हैं और बालों के ऊपर आ जाते हैं वाइट कलर के जो, बिल्कुल बिल्कुल. तो उनके लिए स्पेशली ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम हमेशा लड़कियों की बात करते हैं और लंबे बालों की बात करते हैं, तो इस दफ़ा मैं अपने भाइयों की बात कर रही हूँ. शक्कर और तेल मिक्स, दही मिक्स कर लिया और इसके अंदर थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डालूंगी. अब लगाना ये इस तरह है कि डेली आप लगाएंगे, ठीक है. और अच्छा, आपने इसमें 3 चीज़ें डाली हैं, ज़रा एक बार फिर बता दीजिए, क्या ख़वातीन इसे लगा सकती हैं? बिल्कुल, सबके लिए है, बच्चे तक लगा सकते हैं, ठीक है. इसमें मैंने सिर्फ इसलिए लड़कों का कहा है कि उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन ये तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है सिकरी का या
वो तो तमाम खवातीन के लिए भी बेतहाशा होता है। जितने डैंड्रफ के शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पूज खवातीन के हैं उतने मर्दों के तो वैसे ये बात सही है आपकी। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट इट इज। आप देख लीजिए कि जितने भी खवातीन के शैम्पूज हैं वो नॉर्मली देयर एंटी डैंड्रफ, और बार बार बताया जाता है कि जी ये शैम्पू लगा दें। अच्छा, वो शैम्पू जो आपको बाजार में मिलते हैं वो आपकी स्कैल्प को क्लिंस करते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है। वो जब आपकी स्कैल्प को क्लिंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा केमिकल उसके अंदर यूज हुए होते हैं, और आपकी स्कैल्प पे वैसे ही आपकी स्कैल्प को चिकना करने लगते हैं, मतलब कोरा करने लगते हैं, और उसके बाद उस पर गर्द जो है वो ज़्यादा जमने लगती है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे नेचुरली आपकी स्कैल्प जो है वो क्लीन हो सके। अच्छा सर, भी अगर हम वो शैम्पूज यूज़ करते हैं तो जिस दिन हम वो छोड़ते हैं हमारी स्कैल्प पे फिर डैंड्रफ आ जाता है। अगर ये आपने एक महीना लगातार कर लिया तो उसके बाद आपका डैंड्रफ नहीं छुएगा आपके बालों पे। एक महीना करना, एक महीना। एक अच्छा, महीना। और ये डेली लगना, डेली लगाइए। अच्छा, और ये क्या क्या होगा, किस किस तरह से होगा? इसके अंदर सिर्फ शक्कर और दही इक्वल क्वांटिटी के अंदर है, और साथ में सरसों का तेल है थोड़ा सा, सिर्फ आपने बालों के ऊपर लगा लेना है। और उसके बाद सिर्फ लगाने से पहले एक दफा कंघा जोर से कर लीजिएगा ताकि जो सिकरी नीचे बैठी हुई है स्किन के ऊपर वो जरा ऊपर आ जाए, और उसके बाद आप ये लगाइए और तकरीबन 40-45 मिनट्स रखें। और कंघा अपने बालों में करना? बिल्कुल जी, अपने बालों में करना। आई डोंट नो, आप माइक में बोले, है ना माइक? हाँ जी। सिर्फ सिकरी के लिए क्यों कह रहे हैं? बालों को लंबा भी करेगा, बेशक बालों को स्याह भी करेगा, जो ये सारी चीजें हो जाते हैं उनको काला भी करेगा। अच्छा, हाँ, जो वक्त से पहले नजले जुकाम की वजह से, माइग्रेन पेन की वजह से जो बाल सफेद हो जाते हैं वो भी इसके इस्तेमाल से काले हो जाएंगे, क्योंकि अंडे के अंदर वो तमाम खसूसियात हैं जो आपके बालों के गदूदों को वो प्रोटीन मुहैया करती हैं जिनकी उनको जरूरत है। हाँ, लेकिन इसमें मैं अंडा नहीं डाल रही, मैं सिर्फ इसे सिकरी के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये बालों को वाकई क्योंकि शक्कर है ना, को खोलता है, गुड़ मसाम को खोलता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें डली हुई हैं, आप देख लीजिए। इसके अंदर ये जो गुड़ शक्कर है वो डाली हुई है आपने, इसके अंदर आपने दही डाली इक्वल क्वांटिटी के साथ, और साथ साथ इसके अंदर आपने एक तेल ऐड किया। ये तेल कोई भी इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ सरसों का, सिर्फ सरसों का तेल आपने इसमें इस्तेमाल किया है। इसको लगा के 40 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और नॉर्मल शैम्पू के साथ कीजिए, और लेकिन प्लीज डाइल्यूट करके शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, पानी में घोल कर डायरेक्ट स्किन पे मत लगाइए। एक महीना करके देख लीजिए, आप दुआएं देंगे मुझे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब हम प्री मेच्योर ग्रेइंग की बात करते हैं, जो अभी हकीम साहब कह रहे थे, बड़ा एक मसला होता है कि यार बाल हमारे यहाँ से भी सफेद हो रहे हैं यहाँ से, और रूट्स जो है उनको डार्क करना बड़ा मसला होता है, तो क्या इसके लगाने से वो भी ठीक हो जाएगा? इसमें सिर्फ एक देसी अंडे का इजाफा कर लें, देसी अंडे का इजाफा। अच्छा, जर्दी का इजाफा कर, इसी मुरक्कब के अंदर अगर आप देसी अंडे का इजाफा कर लेंगे, एक देसी अंडा सफेदी के साथ, जर्दी के साथ, जर्दी के साथ, पूरा एक देसी अंडा इसके अंदर डाल दें, अगर आपको देसी मुर्गी मिल जाए तो, क्योंकि देसी मुर्गी के अलावा देसी अंडा कोई और नहीं दे सकता, और हमारे यहाँ देसी मुर्गी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई देसी मुर्गी मिल जाती है आपको और उसका अंडा आपको मिल जाता है, तो प्लीज वो अंडा फार्मी अंडा डालने से नहीं होगा ना? नहीं, फार्मी अंडा डालने से मिल जाता है सर भाई, बेकरी से मिल जाता है, बेकरी से मिल जाता है। नहीं, वो कह के बेचते हैं कि देसी है, वो देसी है, देसी गोल होता है, थोड़ा ब्राउन होता है, छोटा होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, दो नंबर चीज हमेशा बड़ी होती। अच्छा, है, पहचान क्या है देसी अंडे की, बाकी सीरियसली? हाँ, देसी अंडा जो है वो एक तो हमारे यहाँ पत्ती का कावा बनाया जाता है, उसी में फार्मी अंडे डाल दिए जाते हैं, पत्ती का कलर आ जाता है उस पे अंडे पे, एक तो वो देसी बनते हैं। हाँ जी, एक देसी जो कि अमूमन सही देसी होते हैं, वो अंडे साइज में छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और उनका कलर जो है वो ब्राउन होता है, तो अंदर से जो उसकी जर्दी निकलेगी वो पीली, छोटे साइज के अंडे ढूंढने निकल जाएगी और उनकी जर्दी पीली। क्या देसी अंडे की जो शेल होती है ना वो बारीक होती है। अच्छा, मोटी नहीं होती। देसी अंडे का शेल बारीक होता है, साइज में वो थोड़ा सा छोटा होता है, और पानी में रखने से उसका कलर कहीं नहीं जाता। देखो, सबसे आसान पहचान ये कि आप उसे जरा सा पानी के अंदर रखिए और उसका कलर छूटना शुरू हो जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आप समझते ब्रेक के बाद। अपनी जब
बनाई के मैं तो पी के पास गई पी के पास गई जब जब देखी पी हुकी अरे मैं तो अपनी भूल गई छाप तिलक सब जी रे मुसे की नजर है दो नैन तेरे जब मिले तो मिलके चारों अपनी किस्मत है दो जीत गए दो हार गए बात अगम कह दी मेरे वो फिर खुसरा फरमाते हैं पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवा पल पल जा ओ अपनी सी रंग दी मेरे वो से नैना मिला के अपनी सी रंग दी पल मेरे वो से नैना मिला के पम 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 जो मुझे देखता है तवज्जो का तालिब है जो मुझे देखता है नाम तेरा लेता है जो मुझे देखता है जो मुझे देखता है नाम तेरा लेता है तो
खामोश हूँ, निस्बत मेरी खामोश नहीं। अपनी सीरत दी बजरे मोसे नैना मिला के, अपनी सीरत दी मेरे छाप तिलक सब पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ख्र है। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद साहब ये यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आज हमारे साथ हैं। बहुत सारी तालियां, बहुत शुक्रिया आपका, कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह। आज आप लोगों को भी दही के बारे में पता चलेगा कि दही के साथ होता क्या है, या हम लोग अपने शो में दही के साथ क्या करते हैं। दही के साथ कुपाली भी होती है। नहीं नहीं ये बात नहीं है, मेरे ख्याल में कव्वालियाँ जो हैं वो अल्लाह से एक कनेक्शन का ज़रिया है। और ये जो आपने जो पहले दो कव्वालियाँ अभी जो हमने समाप्त की हैं आपसे, कमाल है। और आपने जिस अंदाज में पढ़ा है, हम सब के सब झूम रहे थे, ऑडियंस झूम रहे थे, और आई एम श्योर जो देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आ रहा होगा। एक मरतबा फिर फरीद अयाज और अबू मोहम्मद साहब के लिए बहुत सारी बजा दो जोर से, अरे जोर से बजाओ ना, क्या है। इसको बिल्कुल ही रियल कर देते हैं, मैं उठा पटक शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सोफा आगे कर देते हैं ताकि थोड़ी डेप्थ मिल सके, बट एनी वे समझ तो गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आई लव यू गाइज टू। हाँ सलमा बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं एक पैक बता रही हूँ बालों के लिए जो कि अभी ही आपको रिजल्ट बताएगा। बाल बहुत शाइनी सिल्की और मतलब उनमें अच्छा, जब खवातीन में लड़ाइयाँ होती थी तो अक्सर ये कहा जाता तुम्हारे बालों में कीड़े पड़े, क्यों? बोला जाता है हमारे, मतलब मैंने सुना था बचपन के अंदर हमारे ड्रामे, तुम्हारे बाल में कीड़े पड़े। बाल तो क्या औरत की खूबसूरती है, कीड़े पड़ेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हाँ जाहिर है मर्द में तो खूबसूरत कोई चीज होती नहीं। अब आप लोगों को गंजे रहने की आदत होती है। Not you. और बात सुनो, कोई टूपे शूपे भी नहीं पहना हुआ, अपने बाल है भाई। अच्छा इसके अंदर अगर आप दही को पानी निचोड़ लेते हैं किसी कपड़े में रख के, वो भी बहुत बेहतरीन है। अगर सादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा, दोनों सूरतों में यूज़ करें, क्योंकि ग्रीक योगर्ट बन जाता है। लेकिन यह है कि आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। केले के साथ ये मास्क है और अभी ही आपको बालों का रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या होगा, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बॉडी आ जाएगी सिल्की आ। अच्छा बॉडी का बहुत बड़ा मसला होता है यार, हमारे मुल्क में बॉडी का बहुत बड़ा मसला होता है कि बाल जो होते हैं वो एकदम ही बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, उसमें जो बाउंस है वो नहीं आता। आप सब लोग बाउंस का इंतजार करते हैं और कोर्स जाहिर है आपकी खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाल पे करते हैं। तो आई थिंक आज आपको अगर अपनी बॉडी चाहिए, बालों में बाउंस चाहिए, तो देखिएगा कि पैक कैसे बनता है। हाँ जी बताइएगा। ये मैंने एक केला पीस लिया है, इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना ताकि इसके कोई चंक्स ना रह जाए। और याद रखिए केला छील के पीसना है। पक्का पक्का बताइए जी। हाँ जी बिल्कुल, केला ठीक। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें दही ऐड कर लेना है। ठीक है जी, मास्क बन गया। मास्क और इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब। ओके okay. और लेवेंडर ऑयल है एसेंशियल, वो ऐड करेंगे। लेवेंडर ऑयल है जी इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा शहद हमने डाला है, केले को पीस के डाला है, केले को साथ साथ दही इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो दही है। 4 चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। हमने ये 2 टेबलस्पून दही लिए हैं, 2 टेबलस्पून दही लिए और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर केला जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून बनेगा। एक जो क्या कहते हैं केले का वो केला है उसको मैश करके उसको डाला है। साथ साथ हमने इसके अंदर लेवेंडर ऑयल डाला है और साथ में हमने शहद मिलाया है। ठीक है जी, हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पर एक बेटी जो है वो बैठी है, मुझे जरा माइक दीजिएगा प्लीज। हाँ जी बेटा, नाम क्या आपका? वो चुने सुमेरा। सुमेरा, अच्छा सुमेरा, पीछे हो जाइए आप, आराम से बैठ जाइए। हाँ क्या मसला, आपके तो बाल अच्छे खासे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है बालों में? यस, ये ना सूखने के बाद ना बस बम फट जाता है बालों में। ये मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अगर बॉम की तलाश में हैं तो वो कहीं और नहीं, इनके बालों में मिलता है। सुमेरा क्या करती हैं आप? मैं स्कूल पढ़ती हूँ, मैट्रिक। एक क्लास में कितनी मरतबा आती हैं? दो दबा।
दो दफा लगाई लगाई। अच्छा सर भी, जैसे इनके बाल सिल्की नहीं है, बिल्कुल रूखे ड्राई है ना, और जुड़े हुए बाल हैं, फिजी बहुत ज्यादा। ये आपको थोड़ा खोलना पड़ेंगे बाल बहन। इससे इचिंग खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बाल अगर नीचे से रूट से अगर बाल फ्रेश हो रहे हैं और हेल्दी हो रहे हैं तो ऑब्वियस। आंटी जल्दी लगा दें ब्रेक आ रही है, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आप समझते हैं ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं। हमने ये जो चार चीज़ों का मुरक्कब जो बनाया है हमने, इसके अंदर में जो चीज़ें डाली हैं वही देख लीजिए। दो टेबल स्पून दही के डाले हैं आपने, एक मैश किया हुआ केला डाला है, दो टेबल स्पून शहद के डाले हैं और थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल डाला है। ये चार चीज़ें मिलाने के बाद जब लगाएंगे तो आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये आपके बाल में जो बाउंस गायब था, बरसों से गायब था, आपको लगता था गर्मी की वजह से आपके बाल फ्लैट हो जाते हैं, वो फ्लैट नहीं रहेंगे। ये लगा रही हैं और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी, मैं रजा इलाही साहब के साथ मौजूद हूँ। और एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, और आई थिंक ये तमाम लोग, अब आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे बीपी का प्रॉब्लम होगा, आपके घर में आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा। हकीम साहब आपके पास भी होगा, वर्दा आपके पास भी, उरूज आपके पास, आपके घर में भी, सलमा आपके घर में भी, मेरे घर में भी मेरे फादर हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि बीपी का शर्तिया इलाज कौन सा है, शर्तिया इलाज बीपी का कौन सा है, हकीम साहब बताइए। अच्छा, शर्तिया इलाज हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, प्रोग्राम की रेटिंग लेने के लिए नहीं कह रहे साहिर भाई, भाईजान थोड़ा असल में ये है असरोल, और इससे मशहूर ज़माना जर्मन की मेडिसन है जिसे रावुल्फिया कहा जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है दुनिया में कामयाबी के साथ। हमारे यहाँ ये असरोल के नाम से मिलती है और इसी का काम। अच्छा, है ये जो हम बता रहे हैं ये आपको नॉर्मल पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आपको पूरे पाकिस्तान में, याद रखिए। अच्छा, ये शो कराची में ज़रूर होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कराची का शो है, ये पूरे पाकिस्तान का शो है। जब हम ये बात करते हैं कि ये आपको मिल जाती है तो ये आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेगी। ये इसरोल की जो बूटी है, ये जो डंडी है, ये आपको किसी पंसारी की दुकान में कराची से लेकर पेशावर तक किसी पंसारी के पास भी मिल जाएगी। मिल जाएगी, मिल जाएगी जी। दूसरा नाम इसका छोटी चंदन भी है। क्या नाम है? छोटी चंदन, छोटी चंदन भी है। अच्छा, ये हमने लेनी है 10 ग्राम, इसमें हम छोटी इलायची लेंगे 10 ग्राम, और इसमें संदल सफ़ेद का पाउडर लेंगे 10 ग्राम। संदल सफ़ेद? जी जी, ठीक है। और सफ़ेद धनिया लेंगे इसमें 10 ग्राम। ये चार चीज़ें हैं, इनको हम अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लेंगे, बारीक पीस के इनको रख लेंगे। उसके बाद हम दही का 1 चम्मच लेंगे, 2 चम्मच पानी में इसको मिलाएंगे। भाई ये करके दिखाओ, ऐसे नहीं, मतलब ये करके दिखाएं, ये मेरा ख्याल पिसावा ये रखा हुआ है। नहीं नहीं, बस रोल रखा। अच्छा, इस रोल पिसाई कर देते हैं अभी। बिल्कुल पिसाई करें, देखें पता चलना चाहिए ना कि एग्जैक्टली करना कैसे है। अब ये खुलेगा कैसे? नहीं नहीं, गाइस क्या अंदर से? अच्छा, ये सॉरी, ऐसे होता है लाइव। अच्छा, ये रीज़न मैंने इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली करना कैसे है। हकीम साहब एक बार फिर बता दीजिए, ये पिसरा क्या क्या चीज़ें आप इसमें मिलाई हैं? इसमें हमने इसरोल मिलाई है 10 ग्राम। इसरोल मैं आपको दिखा दूँ कैसी होती है? जी, ये। अच्छा, ये इसरोल है, ये 10 ग्राम आपने मिलाई है, देख लीजिएगा, ये 10 ग्राम आपने मिला दिए, ठीक है। और इसमें साबुत धनिया मिलाया हमने 10 ग्राम। साबुत धनिया ऐसा होता है जी, ये देख लीजिए, ये साबुत धनिया है, ये हमने मिलाया 10 ग्राम। छोटी इलायची मिलाई है हमने इसमें 10 ग्राम। छोटी इलायची मुझे नज़र नहीं आ रही, ये पड़ी है छोटी इलायची, ये रही जी, ये ऐसी होती है, देख लीजिए, ये 10 ग्राम मिलाई है, ठीक है जी। और संदल सफ़ेद का पाउडर मिलाया है 10 ग्राम। संदल सफ़ेद का पाउडर है जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा, ये 10 ग्राम आपने मिलाया, ठीक है जी। ये 100 या 120 के करीब बनने वाला ये नुस्खा आपका 3 महीने तक चलेगा, एक बार जो बनाया हुआ है
वो 3 माह तक चलेगा और इसके दौरान इस्तेमाल आपको अच्छा एक भी अपना रेटिंग में रखें। एक सेकंड जी अच्छा जी, जब ये सब आप मिला लेंगे तो ये इसका जो सफूफ बनेगा, ये जो पाउडर बनेगा वो कुछ इस तरह का पाउडर होगा। जी जी। अच्छा अब हम लेंगे दही इसमें 1 चम्मच। कितने में ये, कितने पाउडर में दही डालनी है? नहीं, 2 चुटकी पाउडर सिर्फ इसके साथ लेना है। 1 चम्मच दही और 2 चम्मच पानी। 1 चम्मच दही और 2 चम्मच पानी और 2 चुटकी पाउडर। अच्छा ये दही के साथ जो पानी होता है इजाफी, अगर वो बच जाता है ना, उस पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा वो पानी लेके दही का पानी निकलता है, क्योंकि दही का जो पानी है वो ब्लड प्रेशर के होने वाले जो असबाब हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है, नींद की कमी है, डिप्रेशन है, उसमें दही का पानी बहुत मुफीद है। और दही की बलाई खाने से भी जो है वो बेख्वाबी या नींद की अच्छा, कमी। हम अभी फोकस इस रेसिपी पे करते हैं, छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपने ये 4 चीज़ें मिला के ये पाउडर बना लिया। जी जी। पाउडर बनाने के बाद फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेज क्या है? अच्छा, सुबह नाश्ता किया आपने 2 चुटकी इसके लिए, याद रखिएगा नाश्ता करने के बाद है, नाश्ते से पहले नहीं, नाश्ते के बाद। ये 1 और ये 2, ठीक है? ठीक है, ये सुबह नाश्ते के बाद आपने लेना है, खाना है। खाइए और खा ले, आप खा ले। मैं नाश्ता नहीं किया, खा ले। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये खुशबूदार है ना, कड़वा है, खुशबूदार है। इलायची है, धनिया है, संदल सफेद है, तीनों चीज़ें खुशबूदार हैं। दही तो पूरी पियो। उसका रीज़न ये, आपको शायद ये इसमें मज़ाक का कोई पहलू नज़र आ रहा है, ये मज़ाक का पहलू नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हम एक ख़ास बिहेवियर का, ख़ास रवैये का शिकार हैं कि जब तक हमें चीज़ें दिखाई ना जाएं प्रॉपरली हम उसे फॉलो नहीं करते। और ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो ये काम नहीं करेगी। और खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर की दवाएं मत छोड़ें, उससे मशवरा कीजिए। ये ऑल्टरनेट मेडिसिन है, दिस इज़ नॉट योर मेडिसिन, ये आपकी मेडिसिन नहीं है। हाँ, हकीम साहब ज़रूर ये कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा हो सकता है, तो बिल्कुल फ़ायदा होता होगा। माय ओनली सजेशन इज़, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। एक बार फिर मैं इस पर ये कह दूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल हैं जो कि ISO से सर्टिफाइड हैं, WHO से सर्टिफाइड हैं, वो यही कम्बिनेशन बनाती हैं मुख्तलिफ नामों से, जो पाकिस्तान में भी बिकता है और बाहर भी, यूरोप तक भी वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और यही फार्मूला है, हकीम साहब को भी पता है, यही फार्मूला है, सेम फार्मूला है जो बना के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, माशाल्लाह। ये हमने आपको बताया, इससे वाकई BP कंट्रोल होगा। मैं आपसे ये कहता हूँ, आप सुबह शाम लें, साथ में दूसरी जैसे साहिर भाई कह रहे हैं वो मेडिसिन भी जारी रखें, अपना BP रीडिंग में रखें, जब नॉर्मल होना शुरू हो तो वो मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता रोक दें, इस पर आ जाएं। लेकिन अगेन मैं फिर आपसे कहूँगा, डॉक्टर से मशवरे के बाद प्लीज़ डू नॉट बी योर ओन डॉक्टर, प्लीज़ डू नॉट बी योर ओन डॉक्टर, प्लीज़ मशवरे के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, हकीम साहब से कंसल्ट करने के बाद, हकीम साहब के पास यहाँ पर कंसल्ट नहीं करना है, कॉल्स पे कंसल्ट नहीं करना है, इनके क्लिनिक में जाके, शाह नज़ीर साहब की क्लिनिक में जाके, उनसे जाके पूछ के बाकायदा सर्टिफाइड लोगों से, दिस इज़ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए। एक ज़रा सी गलती आपको कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। अगेन मैं आपको बता दूँ कि ये मेडिसिन जो है ये BP कंट्रोल करने की मेडिसिन है, बहुत आसान है, 120 रुपये में आपकी 2 से 3 माह की मेडिसिन जो है वो बन जाएगी। आपने ये छोटी चंदन लेनी है 10 ग्राम, साथ साथ आपने ये धनिया लेना है 10 ग्राम, साथ साथ आपने ये सफ़ेद संदल लेनी है, संदल सफ़ेद लेनी है, या आपने छोटी इलायची लेनी है और इसको पीस के ऐसा मुरक्कब बना लेना है। उसके बाद 2 चम्मच दही लेना है और 2 चम्मच टेबलस्पून पानी इसके अंदर डाल लेना है और उसको मिला के एक महलूल सा बना लेना है। और सिर्फ 2 चुटकी, एक ये चुटकी है और एक ये दूसरी चुटकी है, ये आपने लेके इसको खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद आपने फाँकना है और इस दही वाले पानी के साथ आपने इसको पी लेना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आई एम श्योर कि आपका ये प्रॉब्लम जो है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। दिखाने का, आपको पिलवाने का मकसद ये था कि ताकि लोगों को इस बात का यकीन आ सके। बहुत सारे लोग ये कॉमेंट करते हैं कि जी वो लोग जो आपको टोटके बता रहे होते हैं वो खुद वो टोटके इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं, कम से कम मेरे शो में ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पीछे कोई रिसर्च इन्वॉल्व ना हो। मैं कोई चीज़ आपको ऐसी यहाँ पर नहीं बता सकता जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो खतरे के अंदर पड़ जाए। अव्वल तो हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं करते, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ भी होती है तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। यू डू नॉट नो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, यू डू नॉट नो कि वो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अपनी ज़िंदगी से मत खेलें। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, कल मैं एक जगह था, तो ये बड़ी सीरियस बात है, क्रिटिकल लेवल जो था वहाँ वो 3 का था
ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है. क्या क्रिएटिनिन लेवल जो है वो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका किडनी फेलियर हो जाए तो क्या होगा, आप डायलिसिस पे चले जाएंगे खुदा न करे. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ये जो कुछ आपको बताते हैं ये आपकी हेल्दी लिविंग है, ये आपकी हेल्दी लिविंग है. मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पोक नहीं करवाया अपने चेहरे पे. उसका ये रीज़न नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जितना उसको डिले कर सकते हैं उतना डिले कर लीजिए. ये टमाटर आपको नज़र आ रहा है, ये टमाटर आपको हर आदमी को जवान रहने का शौक है, आई प्रोमिस यू ये आपको जवान बना सकता है. कैसे बना सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ. हज़ार मरतबा समझाया, एक बार फिर बता रहा हूँ, इतना टमाटर आपको चाहिए अपने चेहरे को हमेशा जवान रखने के लिए. टोटल इतना टमाटर, ये टमाटर चाहिए आपको. शहद ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये शहद लीजिए और इस पर टोटल इतना सा शहद लगा दीजिए बस. इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. इसको ऐसे करके ये आपका वो पैक बनेगा, ये आपका वो पैक बनेगा जो आपको बोटॉक्स से, आपको किसी भी फिलर से दूर रखेगा. सर्कुलर मोशन के अंदर ये अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दीजिए, माथे से लेकर यहाँ तक लगाना शुरू कर दीजिए. आप खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे. कुछ नहीं करना, आधा टमाटर, आजकल टमाटर बहुत महंगे, लेकिन टमाटर आता कितने का है, जितने का भी आता है, ये आधा टमाटर आपने इस्तेमाल करना है. 5 मिनट आपने इसको इस्तेमाल करना है, 5 मिनट के बाद देखिए कि आपके चेहरे में फर्क क्या आता है. छोटा सा एक ब्रेक आप सुनते देखते बाद. क्या करने वाले हैं हम? Okay, पहले हम बात करते हैं हेल्दी हार्ट की. मेरे फादर को बहुत सीरियस किस्म का हार्ट डिजीज है. ही इज गॉन थ्रू सो मेनी प्रोसीजर्स. उनकी इतनी सारी प्रोसीजर्स हो चुके हैं, स्टेंट्स इतने सारे डले हुए हैं. सो आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट हिम एंड आई रेड अप अ लॉट. एंड दही प्लेज अ रियली इंटेग्रल रोल इन कीपिंग योर हार्ट हेल्दी. तो अगर आपके घर में कोई है, इसका ये मतलब नहीं है ऑब्वियसली दवाइयाँ नहीं खा सकते, बट येस इट डज़ हेल्प. सो बेसिकली हम ग्रीक योगर्ट बना रहे हैं. Why? Because ग्रीक योगर्ट और नॉर्मल दही में जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है. सो बेसिकली व्हाट यू आर ईटिंग इज़ अ वेरी वेरी मच मोर इनरिच्ड वर्जन ऑफ नॉर्मल दही. ठीक है. सो हम ग्रीक योगर्ट बनाने का तरीका है मलमल का कपड़ा. और अगर आप, मैं तो अभी हाथ से इसलिए कर रही थी बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम होता है, मगर इसको एक घंटा के लिए आप रख दें नीचे बोल रख के, इसको लटका दें अपने किचन में कहीं पे, वेयर एवर यू वॉन्ट. और घंटे के बाद आप इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है. सो जितना आपने दही अगर एक पाव डाला होता तो आधा पाव रह जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन यू लेफ्ट, व्हाट यू लेफ्ट विद इज़ अ वेरी क्रीमी इनसाइड सॉर्ट ऑफ मिक्सचर. उर्दू में बात करें मतलब क्रीमी मतलब गाढ़ा अंदर रह जाता है. सही है. ओके. ठीक है. और इसके अंदर इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है. और ये मलमल का कपड़ा प्लीज धुला हुआ हो बहुत अच्छे से. ओके. इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन. सो तकरीबन एक कप के अंदर 4 से 5 जवे लहसुन के. अच्छा इनको काटना, अच्छा मैश करना. या यू जस्ट मैश देम अप. और आप ये हर रोज खाएं, ईट द होल बोल, पूरा का पूरा प्याला खाएं जिसमें एक कप दही है. अच्छा लहसुन ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. गार्लिक के तो कैप्सूल आते हैं जो आप अगर पॉप कर लें तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं. आप इसको फ्लेवर कर सकते हैं काली मिर्च के साथ, आप इसको फ्लेवर कर सकते हैं विद द सॉल्ट. ओके. आपने दही लिया, ग्रीक योगर्ट बना लिया, आपने मलमल के कपड़े में दही को लेके लटका दिया एक घंटे तक, या उसको उसका पानी जो है वो निकाल दिया, और जो बचा वो आपका ग्रीक योगर्ट है उसके अंदर आपने 4 जवे लहसुन के मैश करके डाल दिए. ओके. क्योंकि हम कुछ फेंकना पे बिलीव नहीं करते, और ये एनीवे इसको आप मिक्स कर लें और आप इसको खा लें एंड आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा. दैट्स इट. ओके. इसको खाने से क्या है? नमक. ओके. अच्छा मुझे बताइए, यहाँ हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है? किसी को भी, किसी भी आदमी को प्रॉब्लम है, खातून को प्रॉब्लम है, कोई काली मिर्च है, एनीवन, आपको है हार्ट का प्रॉब्लम?
मैं आपके पास ये भिजवा रहा हूँ, इत्मीनान से खाइए और सच बताइएगा आपका टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है। That's it. ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ, ये दे दीजिए इनको, ये दे दीजिए और आप खा के बताइएगा प्लीज़ कि आपको कैसा लगा है। ग्रीक योगर्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि ग्रीक योगर्ट अगर आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, बाज़ार से लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, घर में बना सकते हैं और घर में बनाने का तरीका आपको अरूज ने बता ही दिया है। अच्छा, इससे पहले कि अरूज आप कोई और बात करें, क्या मैं ये ले सकता हूँ एक मिनट के लिए? जी, वापस दे दूंगा आपको जी। वो पानी जो आपने निकाला था, अब आप ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, वो पानी जो आपने निकाला था वो आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को क्लियर भी करता है और टाइट भी करता है, स्किन को क्लियर कर देगा और टाइट भी करेगा। और अगर टाइटनेस बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें आप हल्का सा आधा चम्मच कॉफ़ी का ऐड कर लें, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है उसको ऐड कर लें, और इसके बाद जब आप ये अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, टाइट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और ये बहुत इंस्टेंट इफेक्ट होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगी, जो हमारे पास पानी रह गया था उसको फेंकिए नहीं, या तो जिस तरह साहिर ने बोला अपने स्किन पे लगा लें, अपने बालों पे लगा लें। तो इमेजिन करें कि मेरे पास एक कप पानी है, अगर आपके पास एक कप पानी है तो आप चार से पाँच जो आंवला होता है, इंडियन गूसबेरी जिसको बोलते हैं, उसको रात को सोक कर दें, सोक होके वो हो जाते हैं, और उनको पिट करके इस पानी के अंदर डालें, उसके अंदर एक टेबलस्पून सौंफ फेनल और एक टेबलस्पून मिंट। इससे क्या होगा? सो यू मेकिंग अ ड्रिंक, ये ड्रिंक बनेगी जो कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, हेल्प यू गेट रिड ऑफ देम, जितने भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, हेल्प्स यू डिटॉक्सिफाई देम। अच्छा, इससे वेट रिड्यूस होता? नहीं, इससे वेट रिड्यूस नहीं होता, बट इट डेफिनेटली गेट्स रिड ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स दैट बिल्ड अप इन योर बॉडी ओवर टाइम, जितने भी आपके पूरे खाने की वजह से वगैरह वगैरह टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। बट हाँ, अगर वेट रिड्यूस करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल लें, हाफ सम वाटर एक्चुअली, इसमें थोड़ा पानी डाल दें, हमारे पास दही का पानी कम था, मगर एक कप दही का जो पानी था। And it doesn't taste bad, by the way. I would like to go on to say कि अक्सर मैं जो drinks बनाती हूँ उनका बहुत बुरा flavour होता है, but ये this particular one will not taste bad. अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो एक बार फिर आप बता दीजिए। सबसे पहले तो आपने इसमें जो ग्रीक योगर्ट का जो ग्रीक योगर्ट बनाने के बाद जो पानी बचा था आपने वो लिया, उसके अंदर आपने ये आंवले जो तकरीबन चार आंवले जो हैं आपने वो ऐड किए, वो ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा सौंफ लिया, एक टेबल स्पून सौंफ लिया और वो इसके अंदर ऐड किया, फिर इसके बाद आपने हल्का सा पुदीना, दिस इज पुदीना राइट, पुदीना डाला, और इसके बाद डालने के बाद इसका ड्रिंक जो है वो बना लिया। अच्छा, अब उर्दू जबान में ये बताइए कि इस ड्रिंक का फ़ायदा क्या है? इस ड्रिंक का फ़ायदा ये है कि आपका खून साफ हो जाएगा, आपके जिस्म के अंदर जितने भी बुरे असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे असरात, थैंक यू सीरियसली, आई एम स्वेटिंग नाउ, पसीना छूट गया। You had to do this to me. No, I'm just asking so that everyone understands. ये हील करेगा अंदर से भी जी बॉडी को, जैसे हम बालों के लिए और स्किन के लिए बात करते हैं, जैसे हम आंवला ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, आंवला और दही मिक्स करके बहुत अच्छा। ओके ओके, अच्छा इसको कब कब पीना है? आप इसको दिन में दो दफ़ा पिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सुबह उठते साथ इसको एक ग्लास पी लें, एंड होपफुली इट विल। तो ये सॉर्ट ऑफ फसाद खून का इलाज है बेसिकली, बेसिकली फसाद खून का इलाज है कि आपका जो अंदर जो फसाद खून होता है ये उसका इलाज है। अच्छा, फसाद खून मतलब जो आपको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी के अंदर डिवेलप होते हैं, तो उनसे आपकी स्किन क्लियर होना शुरू होगी, आप बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस नोटिस करेंगे, बिकॉज जिन लोगों के प्रॉब्लम होती है टॉक्सिन ज्यादा होते हैं उसके इफेक्ट्स बहुत डेट्रिमेंटल होते हैं, आपके बाल गिरते हैं। अच्छा, दो सवाल, पहला सवाल ये कि वो जिनको शुगर है क्या वो ये खा सकते हैं? जी, सब लोग पी सकते हैं, खा सकते हैं, सब लोग पी सकते हैं, इट कैन बी, इट्स नॉट आंवले का मुरब्बा, बट
इट्स अ ड्राई आमले को नीम गर्म पानी के साथ धो लें, धोने के बाद इसमें इस्तेमाल करें। एक्चुअली आमला प्रिजर्व करने के लिए इसको शक्कर में डाल दिया जाता है ताकि पूरा साल चल सके। ये दूसरा मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि ताकि हम ये क्लियर कर सकें चीज़ें, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देंगे जो यहाँ पर नहीं बताई जा रही हैं। जो यहाँ बताई जा रही हैं सिर्फ वही इस्तेमाल कीजिए, जिस तरह से बताया जा रहा है वही आप उसको इस्तेमाल कीजिए। एक मरतबा फिर आपको बता दें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डली हैं, इसके अंदर आपकी ग्रीक योगर्ट का जो पानी बचा था वो डाला गया है। एक कप आपने ग्रीक योगर्ट का पानी लिया है, उसके अंदर आपने ये रॉ आमला है ना, चार जी ड्राई होते हैं, ड्राई भी आपको मिल जाते हैं आमले पंसारी की दुकान से, और उनको आपने रात को अमूमन जो है ये मुरब्बे की सूरत में लेके ही उनको नीम गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर मौसम में नहीं मिलता आमला। इसमें आप अगर ड्राई मिल जाए तो ग्रेट, अगर नहीं तो देन वॉश। आप मुरब्बे की सूरत में आमले को ले लें, लेकिन उसको नीम गर्म पानी में धो लें ताकि उसकी जो शुगर की तासीर है वो सारी की सारी खत्म हो जाए। उसके बाद निकालने के बाद चार आपने आमले लेने हैं और आपने इसके अंदर डालने, साथ साथ आपने इसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ आपने एक टेबल स्पून डालनी है, और एक और चीज़ थी पुदीना, पुदीना इसके अंदर डालना है, और उसके बाद ये आपका ये ड्रिंक जो है ये बन जाएगा। और ये आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, कोई ऐसी रूटीन नहीं है खाने से पहले खाने के बाद, इट कैन बी एनी टाइम। प्रेफरेबली सुबह को जब आप पिए तो इसको बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले उठते साथ पिए। अच्छा, चिकन गुनिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, साथ साथ वेट लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद कि चिकन गुनिया और वेट लॉस से परहेज कैसे किया जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। मुझे आज ही जाती तजुर्बे से पता चला है कि सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि आप ससुराल गए हैं और मंगेतर से मुलाकात ना हो। मोहब्बत में नाकामी का तो बस नाम बदनाम है, असल में खून के आंसू दिल तब रोता है जब मेहमानों के साथ आया हुआ कोई बच्चा आपकी पसंदीदा चीज तोड़ दे या उसे खराब कर दे और आप उसे एक मस्नूई मुस्कुराहट के सिवा कुछ ना दे सकें। आज तक ये मौमा दुनिया की कोई भी एजेंसी हल नहीं कर सकी कि वो बात जो एक औरत के मुंह से दूसरी औरत के कान में जाती है वो दुनिया भर को कैसे पता चल जाती है। ये बात तो बहुत आम है कि ज़हीन लोगों के सर पर बाल नहीं होते, तो अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं किसी ने कोई गंजी औरत देखी है। हमें बिल आखिर ये बात पता चल ही गई है कि औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो जब औरतों की सबसे बड़ी परेशानी दूसरी औरत उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब वो सास बनती है तो उन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू बनती है तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, देवरानी बन जाए तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जेठानी बन जाए तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, सब अच्छा मिल भी जाए तो खैर से काम वाली अच्छी नहीं मिलती, पीछे बचा बेचारा शौहर वो तो आज तक किसी को अच्छा नहीं मिला। और यही शौहर अगर बिल्कुल बुरा होते हुए किसी और के पास चला जाए तो इतना अच्छा हो जाता है कि उससे अच्छा फिर कोई रहता नहीं है। महंगाई का जायजा लें तो यूं मालूम होता है कि वो वक्त दूर नहीं जब बैंक्स के बाहर लिखा होगा कि टमाटर खरीदने के लिए आसान इकसाथ पर कर्ज मौजूद है। yes. खबर मिली है कि इंडियन बीवियां तब खुश होती हैं जब उनके शौहर उनको शॉपिंग पर ले जाते हैं, अमेरिकन बीवी तब खुश होगी जब उनके हस्बैंड उनको डायमंड गिफ्ट करेंगे। बेचारी पाकिस्तानी बीवियों की मासूमियत के क्या कहने, माशाल्लाह बेचारी आपने कहा ना बेचारी, वो तो बस कपड़े धोते हुए शौहर की जेब से पैसे मिल जाए तो उन्हें रख के खुश हो जाते हैं। एक लोटा ले आइए, मैं बेवजू बैठ नहीं सकता, इतनी अच्छी अच्छी इतनी सच्ची बातें हो रही है, मैं कैसे, दुपट्टा मुझे दे दीजिए क्योंकि इन्हें तो शर्म आएगी ना ये सब कहते हुए, मैं ही कम अज कम शर्म कर लूं। हमारी मासूमियत होती है भाई पाकिस्तान। अरे इतनी मासूम, आप जैसा तो मासूम को पैदा ही नहीं हुआ, कहाँ इतनी मासूम है आप। और
और कौन से जन्म में आखिरी मरतबा किसी बीवी ने शौहर के कपड़े धोए थे? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। हेलो हेलो, और पैसे होंगे तो निकलेंगे ना। मासूम, मुझे ना आपने जो लफ्ज यूज किए ना, बेचारी बीवी, मासूम बीवी, जो बेचारी और जो बेचारी और मासूम बीवी होती है ना, वो आपकी बीवी नहीं होती। किसी की भी बीवी हो जाती है आपकी, या फिर अगर जो बेचारी और मासूम बीवी होती है ना, वो 6 फीट अंदर होती है और आप कब्र पर खड़े होकर कहते हैं शुक्र खुदा का। पर औरतें जल्दी जाती नहीं है। क्या क्या भाई, आज के सेगमेंट की आखिरी खबर। बिल्कुल, इसके बाद तुम यहीं से उड़ जाओगे ऐसे। गोली, बम और कैप्सूल अक्सर वो काम नहीं कर सकते जो बीवी की आंखें कर देती हैं, लेकिन याद रहे बीवी किसी और की हो, क्योंकि बच्चे अपने और बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। एक एक खास उम्र में, वरना जब आप एक खास उम्र में पहुंचते हैं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपको सिर्फ मस्जिद का रास्ता अच्छा लगता है, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। जरा कैसी हो तुम, ठीक हो? I'm good. जब तुम शादी करोगी तो तुम्हारे प्लान तो यही है ना, तुम अपने शोहर के कपड़े भी धोओगी, है ना? सोच रही है ना? आप गौर कीजिए, झूठे कैसे लगते होंगे। ऐसे लगते हैं झूठे। क्लोज करो कैमरा। और इन्होंने कहा जी इंडियन बीवियां होती है ना, उनको हम शॉपिंग पे चले जाते हैं, पाकिस्तानी बीवी तो शॉपिंग पे जाती नहीं है, तो अल्लाह करे तू कभी शॉपिंग पे ना जाए, तेरा शौहर कभी तुझे शॉपिंग पे लेके ना जाए। तेरी ठहर जाओ, पूरा ही काम करो ना, मैं आग लग गई है मेरे सुनते ही कि पाकिस्तानी बीवी शॉपिंग पे नहीं जाती। अगर आप देख रहे हैं तो टीवी बंद कर दें, मतलब नहीं, क्यों टीवी बंद कर दे, खोल के रखे, पता तो चले ना, मासूम लोगों को तो देखें आप, कितने मासूम लोग बैठे हैं। अल्लाह करे। नहीं बेटे, क्यों मजाक कर रहे हो, मतलब उनको मैं मैसेज भेज रही हूँ होने वाले जो अगर कहीं। अल्लाह करे आप भी कपड़े धोएं, आपके शोहर की जेब से 100 रुपए निकले और आप यूं उन्हें आंखों से लगा के रखें, हाय मेरे हस्बैंड की कमाई है। यार मेरे लिटरली मेरे नहीं, यहाँ से आग निकली थी, यहाँ से निकल गई थी। कह रही है इंडियन बीवी शॉपिंग में जाती है, हमारी तो ये मॉल्स जो हैं तो सारे मर्दों से भरे हुए हैं। मतलब सारे, मैं जाता हूँ, ये जाते हैं। शाह नजीर खड़ो ना, खड़ो ना, हम दोनों संडे के संडे जा रहे होते हैं शॉपिंग पे। क्या कहाँ मिलते हैं भाई आदमियों की? कोई मर्द बॉल में नहीं होता, कोई मर्द बॉल में नहीं होता, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। नहीं भाई, आदमियों की साजिश होती है, मॉल में बीवियों का हाथ पकड़ के रखते हैं कि कहीं बीवी किसी दूसरी दुकान में ना घुस जाए। मैं बता रही हूँ, ये साजिश होती है, बोलते हैं हाथ पकड़ के, आदमियों को भूख लग जाती है मॉल जाते सारे, चलो और मर रहा हूँ भूख से। सहर भाई क्यों, और आप लोगों को अचानक ये ख्वाहिश जागती है कि हर वो दुकान जिसमें काम की चीज मिले या नहीं मिले जाना जरूर है वहाँ पे, मतलब और जाके जरूर देखना है। और यार एक एक मुझे बात समझा दें, एक ढक्कन उसको खड़े हुए देख रहे हैं, ढक्कन नहीं होता, अच्छा उसके नीचे बॉटल भी अटैच है। बॉटल वो जो काम की नहीं होती है, जो काम की नहीं होती है। मर्द शॉपिंग कैसे करते हैं, जाए भाई, हाँ जी दीजिए प्लीज, थैंक यू खुदा हाफिज। और सबसे बुरा डील मिलता है, और नहीं कोई डील, ये आपको लगता है। और खवातीन शॉपिंग कैसे करती हैं, गई अब आप देखिएगा, चलो यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, दूसरी दुकान चलते हैं। अरे भाई उधर सही ले लो, सब कुछ वहीं से लो, टाइम नहीं है। सहर भाई एक चीज होती है, खवातीन जो है जब शॉपिंग कर रही होती है ना बीवियां, तो उसमें ये होता है कि जब वो देखती कुछ भी नहीं लेती हैं, बाहर निकलती हैं तो मियां के कमर के मोरे हिल चुके होते हैं, बच्चे उठा उठा के। क्या सोच समझ के, एक मिनट चुप हो जाओ यार, या तो आज मुझे आप नंबर डायल करो हॉस्पिटल का, मैं अभी यहीं से एम्बुलेंस नीचे मंगा कर, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या कहा आपने, मैंने कहा एक तो इतनी सोच समझ के शॉपिंग करती है, देख देख के मियां के पैसे जाया। अरे अच्छा नहीं, अच्छी डील चाहिए होती है, हम क्यों चाहिए होती है, समझ क्यों नहीं कर लेते तुम लोग, कपड़े खरीदें। हम ये देख रहे थे कि जो आई हुई है उन्होंने कौन से खरीदे हम, और आज तक मैं ये बात कभी नहीं समझ सका कि एक जैसे 400 कपड़े कैसे हो सकते हैं, सारे कपड़े एक ही जैसे लगते हैं। हैं?
नहीं हमसे पूछे मैं गलत हूँ जी, आप सही कहें, आप सब सही कह रहे हैं, छोड़ दें आयाज भाई आपकी तरफ बातें छोड़। हाँ जी, मुझे लगता है आप अगर ऐसे ड्रॉअर खोलो ना, यूं करके ऐसे खोलो, क्लोजेट खोलो, तो उसके अंदर सब चीजें एक ही जैसी लगी होती हैं और जरा जरा से प्रिंट का फर्क होता है। नहीं बस इस बात को यही खत्म कर दे, हम सबों ने घर भी जाना है। I am okay, मैं डरता वरता किसी से भी नहीं हूँ, तो okay. अगली एक दिन एक शो करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मैं भी नहीं डरता, मेरे भी घर पे कोई नहीं। एक साहब अपनी बेगम की सालगिरह भूल गए तो वापस आए तो घर में बेगम बहुत खामोश थी, कह नहीं तुम नाराज होते, नहीं मैं क्यों नाराज होता, और कह नहीं मैं क्यों नाराज होती, या मैं तुम्हारी सालगिरह भूल गया, हाँ अब मैं आपको एक हफ्ते तक नजर नहीं आऊंगी। अब शौहर बहुत खुश हुआ, शौहर ने कहा यार एक हफ्ते तक नजर नहीं आएगी, मैं तो रोज सालगिरह भूल जाऊं। चार दिन के बाद जब आंख की सूजन उतरी तो बेगम आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हुआ। आपको एक बुल्ले शाह का बड़ा खूबसूरत आइटम सुनाऊं। मेरा पिया घर आया, तेरी लैला रंग दी काली, तेरी लैला रंग दी काली, तेरी लैला रंग दी काली, मजनू नूर अल आशिक कहिंदे तेरी लैला रंग दी, दिता जवाब मजनू मिया तेरी अख नहीं वेखण वाली, हो मजनू नूरल आशक कहने की तेरी लैला रंग दी काली, फिर दिता जवाब मजनू बिया तेरी अख नहीं देखण वाली। कुरान करीम दे वरक ने चिटे कलामे पाक के सफाद जो होते हैं सफेद होते हैं, कुरान करीम दे वरक ने चिटे लिखिए स्याही काली, वे भुलिया जिते दिल अड़ जावे, वे भुलिया जिते दिल अड़ जावे, इनकी गोदी की काली, वे मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, वे भुलिया जिते दिल अड़ जावे, वे भुलिया जिते दिल अड़ जावे, इनकी गोदी की काली, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर
की भी हो जाए। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया कदी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं। जा जा बढ़दा मनर मसीता, जा जा बढ़दा मनर मसीता कदी मन अपने बिच वड़े आई नहीं। जा जा बढ़दा मनर मसीता कदी मन अपने बिच वड़े आई नहीं। ऐवें रोज शैतान नाल लड़दा, रोज शैतान नाल लड़दा कदी नफ्स अपने कोलो लड़े ही नहीं। वे बुलिया आसमानिया उड़दिया फड़दा, वे बुलिया आसमानिया उड़दिया फड़दा, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़े ही नहीं। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइए हमारे पास टाइम कितना है ब्रेक का? ब्रेक पे जा सकते हैं हम अपनी रेमेडी पे जाएंगे, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। लेमिनो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं या रेमेडी पे जा सकते हैं? ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे। ओके जी, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वरदा आप क्या बताने वाली हैं? वेट लॉस और एसिडिटी से। अच्छा जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे मुल्क का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी वेट लॉस नहीं हो पाता है, वेट सही तौर पे गिरता नहीं है। कैसे गिराया जाए? आज हम आपको दही के जरिए, दही का नॉर्मली कहा जाता है कि दही शायद वेट को गेन करवाती है, लेकिन आज हम दही के जरिए आपको बता रहे हैं कि वेट को किस तरह से लूज कर सकते हैं। आपके घरों में होती है, वॉच इट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं वरदा के साथ हूँ, वरदा हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग वेट लॉस का तरीका बता रहे हैं, वो भी दही से। ठीक है, क्योंकि अक्सर वही वाली बात जो आपने कहा था कि दही से लोग कहते हैं कि वेट बढ़ता है, लेकिन अगर दही को आप सही चीज़ों के साथ और सही टाइम पे इस्तेमाल करें तो इससे आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। दही सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमने तकरीबन हाफ कप, या ये बड़ा है थोड़ा सा, मैंने हाफ कप लिया। अगर छोटा कप है तो एक कप दही ले लीजिए। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर हम आधा चम्मच डालेंगे, इसलिए कि इसमें पेपरीन होता है और ये हमारे फैट्स को बर्न करने के लिए, यानी वेट लॉस करने के लिए उसमें हेल्पफुल होता है। काली मिर्च का पाउडर डाला इसमें, हम इसमें डालेंगे शहद एक टेबल स्पून। बहुत ही क्विक रेमेडी है ये, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने नहार मुँह लेनी है नाश्ता करने से पहले, सुबह उठ के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और आपने ये प्याला जो है वो नाश्ते से पहले नहार मुँह खाना है। डेली आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वेट लॉस करने के लिए। ये दैट्स इट। आप ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करें, अरूज ऑलरेडी तरीका बता चुकी हैं कि ग्रीक योगर्ट कैसे बनता है, या हंकर जिसे हम कहते हैं, कि आप दही को, दही का पूरा पानी निकालें, जो गाढ़ा दही होता है वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऑलरेडी बताया है अरूज ने, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें से कम हो जाते हैं, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। वैसे आप बाज़ार में भी ये जो योगर्ट है ये मिलता है, बाज़ार के अंदर भी आप ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट आप कहीं भी जाके किसी भी बाज़ार में तलब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाज़ार नहीं जाना चाहते और ये मेहनत नहीं करना चाहते, या आप ये सब, क्योंकि वाकई एक्सपेंसिव होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप मलमल का एक कपड़ा ले लें, उसके अंदर नॉर्मल दही जो है वो डाल दें, और उसके बाद उसको लटका दें और एक घंटे तक उसको लटका रहने दें, और इसके बाद उसका जो पानी निकलेगा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बच जाता है उस मलमल के कपड़े में वो ग्रीक योगर्ट कहलाता है। तो जो बची हुई योगर्ट है वो आप ले लें, उसके अंदर आपने काली मिर्च डाली है, और काली मिर्च डालने के बाद दो चम्मच आपने उसके अंदर शहद डाल दिया, एक बड़ा चम्मच डाल लें। अगर छोटा चाय का चम्मच है तो दो डाल लीजिए, अगर बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो एक बड़ा चम्मच शहद डालिए,
इसको मिक्स कीजिए और नाश्ते में निहार मुँह खाना है, लेकिन इसको आप डेली खाएं और खुद आप देखेंगे कि आपका काफ़ी हद तक वेट लॉस होगा। लाइक आप 4 से 5 kg वेट लूज कर सकते हैं इजिली महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 4 से 5 kg जी। अच्छा, और यही सही है, ये नहीं है आप जिन क्रैश डाइट्स पर जाते हैं, जैसे कि अभी मैं इस डाइट में हूँ, तो मैं नॉर्मली ये कर रहा हूँ कि तकरीबन 21 दिन के अंदर मेरा 7-8 pounds जो है वो कम हुआ है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसको आप ये नहीं कर सकते कि आप इमीडिएटली इंस्टेंट डाइट पे चले जाएं और डाइट पे जाने के बाद आप 15 से 20 केजी एकदम से लूज करते हैं, ऐसा नहीं होता। और जो भी क्रैश डाइट्स ऐसी होती हैं वो आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। याद रखिए कि अलोन ये काम नहीं करेगा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये काम करे तो फिर उसके लिए आपको डाइट पे जाना पड़ेगा। डाइट, जब मैं डाइट पे जाने की बात करता हूँ, देखें इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, फर्ज कीजिए कि मैं आपको ये कहूँ कि आप सब कुछ खा सकते हैं और आपका वेट लूज होगा, आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, आपका वेट लूज होगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो याद रखिए कि आपको ये बनाना है और ये एक एक प्याला खाना है सुबह नहार में। किस तरह से बनाना है, योगर्ट लें, ग्रीक योगर्ट लें, दैट मीन्स के वो जो निकाल दिया जाता है, जो बच जाता है वो ग्रीक योगर्ट होता है, वो आपने लिया, इसके अंदर आपने काली मिर्चें डाली और साथ साथ 2 चम्मच शहद के डाल दिए और उसको मिलाया, और मिलाने के बाद आपने इसको ये नहार मुँह खा लिया। अच्छा, ये खाने के बाद इसके बाद करना क्या है, इसके बाद क्या होता है कि हम अचानक, हमको लगता है कि हम शायद कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे अचानक हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा या इंचेस कम होना शुरू हो जाएंगे, हम सब कुछ खाने लगते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जहाँ 3 meals लेने हैं सुबह, वहाँ आपने उनको 6 कर देना है, जो आपके 3 meals हैं उन्हें आपने 6 कर देना है। आप लोग बात कर लो पहले, फिर हम लोग शो बाद में करते हैं, डिसाइड कर लो तुम लोग। 6 meals लेते हैं, 6 meals को आप डिवाइड कर लीजिए, आधा 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 डिवाइड कर दीजिए। जब आप उसको आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं और आपके पोर्शन छोटे हो जाते हैं तो खुद ब खुद आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है तो आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करें जी। और फ्राई आइटम्स खाना छोड़ दीजिए, तली हुई चीज़ें ना खाएं, और सबसे बड़ी बात आप सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दीजिए, कि लोग अक्सर छोड़ते नहीं हैं फिर भी कहते हैं कि वेट लूज नहीं हुआ, तो सबसे मेन चीज़ ये कि आप इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उससे परहेज करें, ताकि अगर वेट आपको जल्दी लूज़ करना है। तो दूसरी जो रेमेडी बता रही हूँ आपको, मैंने बताया था कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की या बर्निंग की, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, डेली घर में उनकी मेडिसिन होती हैं जो लेते हैं, मेरे घर में अक्सर ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने 2 चम्मच दही लेना है, आपने 2 चम्मच दही लिया, इसको अच्छे से फेंट लें, जितने भी इसके लम्ब्स हैं या इसमें गुठलियाँ इसको अच्छे से फेंट लें। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, ये हम झारा टाइप का बना रहे हैं, झारा बना रहे हैं बेसिकली, और दही का अगर पानी है आपके पास, अगर दही घर में है, दही का पानी है तो वो इस्तेमाल करें, वरना आप कोई भी नॉर्मल पानी ले सकते हैं, और इसको आपको धार के डालना है, लाइक जितना ये हल्का होगा, ये इसको हल्का करता है, लाइट कर देगा आपको दही को, ये झारा टाइप का बनता है, ये आप डेली निहार मुँह लीजिए, आप 1 महीने तक लेंगे, आपकी एसिडिटी और बर्निंग की प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी। अच्छा, निहार मुँह अगर ना लिया जाए तो फिर? नहीं, ये निहार मुँह ही लेना है आपको, कि देखिए हमारे जब स्टमक में बर्निंग की रीज़न ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, बहुत ज़्यादा खाना जो बाजार के मसाले तेज स्पाइसेस वगैरह खाते हैं उसकी वजह से बर्निंग होती है। जब निहार मुँह आपका स्टमक एम्प्टी होता है उसमें आप लेते, तो ये दही है, झारा है, तो ये आपके स्टमक को ठंडक पहुँचाता है। नहीं नहीं, आप सीरियस? नहीं सीरियसली, मैं ये नीति हूँ मेरे घर में, मैं अपने सबको जिनको मेरे घर में फैमिली में प्रॉब्लम है एसिडिटी, मैंने अपने हस्बैंड को दिया था 1 महीने, उनकी सीरियसली एसिडिटी प्रॉब्लम खत्म हो गई, और मैं खुद रियली मैं बता रही हूँ, वो मेडिसिन है एसिडिटी, जब रिसेंटली मेरी शादी हुई थी वो लिटरली कंसल्टेंट से अपनी मेडिसिन लेते थे रेगुलरली। अच्छा, एसिडिटी की वजह से आपको, रीजन मैं आपको बताता हूँ, एसिडिटी की वजह से आपको अंदर मुंह में कैंकर सोर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, और मेरे ये पूरा मुंह जो है यहाँ से, अगर आप इसको मैं उठाऊँ, जाहिर मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन पूरे मेरे मुंह के अंदर कैंकर सोर्स का प्रॉब्लम रहता है, मेरी मदर को प्रॉब्लम रहता है, ये वो फॉलिक एसिड की गोलियाँ खाती हैं, मैं फॉलिक एसिड खाता हूँ। सो द थिंग इज़ कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए अगर ये चीज़ कामयाब हो सकती है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये कोई भी ले सकता है जिसको डायबिटीज़ है, जो भी है, आप इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे नमकीन हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप नमक अवॉइड करें। अच्छा, ये नॉर्मल दही है? ये नॉर्मल दही है, जब सिंपल प्लेन दही आप लें, नॉर्मल आपके घर में दही होता है खाना पकाने के लिए यूज होता है, 2 चम्मच दही लेना है आपने, उसको फेंटना है, पानी डाला, टेस्ट के लिए 1 चुटकी नमक डाली, थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा पीने में, आप पीजिए। और ये शर्त यह है कि इसको लाजमी इंशाल्लाह ताला 1 महीने आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करेंगे बिला नागा निहार मुँह, आपकी एसिडिटी और बर्निंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हार्ट बर्न खत्म हो जाएगा, हार्ट बर्न, स्टमक की बर्निंग, आप अक्सर होता है कि रात में खाओ, जैसे अक्सर लोग कढ़ाई नहीं खा पाते, तेज मिर्चों की कलेजी हो गई,
बर्निंग हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मिठाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं गुलाब जामुन खाऊं तो उससे मेरा हार्ट बर्न हो जाता है, चमचम खाऊं तो उससे हार्ट बर्न हो जाता है, लड्डू खाऊं स्पेशली तो उससे मेरा हार्ट बर्न। डीप फ्राइड होते हैं। अच्छा, डीप फ्राई, ओके, सो दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। सो मेरे ख्याल में मुझे वो प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं सुबह सुबह नहा लूं, ये पीऊं। अच्छा, एक बार फिर आपको बता दें कि एक आपने दो चमचे नॉर्मल दही के लिए, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाला और उसके अंदर पानी आपने ऐड कर लिया और उसको एक झार सा झार के धार के डालना, यानी आप धार के डालना, ऊपर से ऊंचाई से डालेंगे तो उसमें झाग आता है। ओके, तो वो लाइट कर देता है दही का जो वो होता है, दूध और दही को अगर फेंट के देते हैं मतलब अच्छी तरह, तो उससे ये होता है उनका वो लाइट हो जाते हैं और गैस। अच्छा, एसिडिटी के लिए कच्ची भी तो पी जाती है? ये कच्ची कच्ची लस्सी की तरह है जिसे हम छाछ कहते हैं बेसिकली। ओके, और अगर हम यही दही को खूब अच्छी तरह कर लें और बट दिस इज नॉट कच्ची लस्सी दो, ये नहीं, ये कच्ची लस्सी नहीं, कच्ची लस्सी दूध की बनती है, दूध की लस्सी दूध में बनती है, दूध में बनती है, कच्ची लस्सी दूध की होती है, दही की बनती है छाछ, उसकी निस्बत ज्यादा ठंडी है। बिल्कुल। और अमूमन जो है मैदे का मसला रात को सोते वक्त होता है या सुबह के वक्त ज्यादा हो रहा होता है, जैसे साहिर भाई कह रहे हैं रात को मिठाई खा के सोई आपने या कुछ भी लेके आप ज्यादा सोए, तो रात में सोते वक्त एसिडिटी होती है, सुबह के वक्त हो रही होती है, और उस वक्त वो तेजाबियत के मादे मैदे में मौजूद होते हैं, उस वक्त अगर ये इस्तेमाल की जाएगी तो इससे वाकई बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ परहेज़ भी करें, परहेज़ से मुराद ये कि जब आप ये एक माह तक इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप तली हुई चीज़ों से, मिठाइयों से परहेज़। अच्छा जी, अब मैं आपको बुला रहा हूँ, मुझे बताइए चिकन गुनिया के लिए, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, चिकन गुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी जी, चिकनगुनिया का सबसे पहले बताएं सिम्टम्स क्या होते हैं चिकनगुनिया। अच्छा, चिकनगुनिया की अलामतें ये, चिकनगुनिया बेसिकली मलेरिया की एक शक्ल है और चिकनगुनिया से पहले भी बहुत सारे अमराज मलेरिया की वजह से मच्छर के काटने से होते रहे, जैसे गर्दन तोड़ बुखार, जैसे कि हाँ डेंगी बुखार, जैसे कि टाइफाइड बुखार, सही तशखीस ना होने के बायस वो टाइफाइड हो जाता था। चिकनगुनिया अलबत्ता डेंगी बुखार और गर्दन तोड़ बुखार से कम खतरनाक है लेकिन दर्दनाक ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, इस दर्दनाक बुखार है उतना खतरनाक नहीं है, इससे 5-7 दिन में इसकी अलामतें जाहिर होना शुरू होती हैं और जाते जाते इससे 15-20 दिन लग जाते हैं। अलामतों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, अलामतों में ये होता है कि जिस्म का इब्तदाई तौर पर भारी होना, मुँह का जायका ख़राब होना और जोड़ों में हल्का हल्का दर्द होना। ठीक है। इसमें ये टेम्परेचर से पहले की अलामतें हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे ये शदीद होती हैं उसके साथ फिर टेम्परेचर आना शुरू होता है, मुंह का जायका ख़राब होना शुरू होता है और साथ साथ हल्की सी सर्दी या गर्मी का एहसास होना भी शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो लो नहीं हो रहा होता, कम नहीं हो रहा होता और दर्द की शिद्दत भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती रहती है। ठीक है। हर्बल में उसके लिए बेहतरीन चीज़ है एक लकड़ी होती है गिलो, वो मैंने मंगवाई थी नहीं मिली, लेकिन इसके मुशाबा होती है, सेम यही शक्ल होती है उसकी गिलो की, ये गिलो लेनी है, ये बुखार के लिए बेहतरीन है। इसके लिए ये आपने लेनी है 10 ग्राम और इसमें अजवाइन देसी, देसी जो अजवाइन है ये लेनी है 10 ग्राम और सूरनजान शीरी लेना है 10 ग्राम। अच्छा, जिन लोगों को पहले चिकनगुनिया हो चुका है अब नहीं है, जोड़ों में दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये जो अजवाइन है इसका 1 चम्मच लेंगे, इसको पीस लेंगे, इसका पाउडर कर लेंगे और इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल मिलाएंगे, 4 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर पूरे बदन पे इसकी मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद आधे से 1 घंटे में जिस्म में हीटअप पैदा होगी और पसीना आएगा, जैसे ही वो पसीना आएगा उसके बाद कावा चाय पिए गुड़ वाली, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो दर्द है इस तरह 2-3 बार इस्तेमाल करने से वो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमने ली, गिलो, अजवाइन, सूरनजान शीरी, इसका पाउडर करेंगे, पाउडर बिल्कुल कर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लाइए लाइए डाल दीजिए। दैट्स इट। जी, पुराना बुखार, हड्डियों का बुखार। अच्छा, बेसिकली हड्डियों का बुखार है, तिब्बी अगर हम कहें उसमें फिजियोलॉजी में तो ये हड्डी का बुखार लिखा गया जो हमें पढ़ाया गया। ये मैंने ले लिया है, चिकनगुनिया के लिए 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी, एक आपने बताया था सूरन, क्या क्या, सूरनजान शीरी, सूरनजान शीरी और अजवाइन देसी, अजवाइन देसी और गिलो, और गिलो, ये आपने इसमें डाल दिया है, ये आपका पाउडर जो है वो बन गया है। इसमें हकीम साहब ने 2 टेबलस्पून दही लिया है। जी जी, 2 टेबलस्पून मैंने दही ली है और इसमें हम 4 चुटकी इस पाउडर की डालेंगे।
चार चुटकी इसकी डालेंगे, एक चुटकी हम काली मिर्च की डालेंगे इसमें, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और दो से तीन कतरे हम इसमें लेमन डालेंगे। अच्छा, लेमन भी डालना जरूरी है? जी जी बिल्कुल, लेमन से आपके मुंह का टेस्ट सही होगा। अच्छा, बाज लोगों का एंटीबायोटिक वगैरह खाकर ऐसा होता है कि भूख मर जाती है, फिर वो भूख नहीं लगती। लेमन से ये होता है कि भूख बढ़ना शुरू होती है, मुंह का जायका सही होता है और ये टेस्टी है खाने में, कोई मुश्किल नहीं है, आप खा सकते हैं। खाई मैं खा लेता हूँ। नींबू डाल दिया? हाँ हाँ, वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच। शाह साहब आ जाइए, सर तशरीफ गया। जी शाह साहब, क्या करने जा रहे हैं हम? सर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बाज़ लोग सफ़ूफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, पाउडर नहीं खा सकते, उन्हें एलर्जी हो जाती है छींकों की या इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो उसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अभी देख लीजिएगा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक रेमेडी हम बना रहे हैं। जी प्लीज जल्दी बताइए। शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, एक गिलास पानी लेंगे, ठीक है, और इसमें एक चाय वाले चम्मच के बराबर सरफूका बूटी, सरफूका बूटी, ओके, एक चाय वाला चम्मच शात्रा बूटी, शात्रा बूटी, एक चाय वाला चम्मच चिरायता बूटी, चिरायता जी, ओके। इसमें इसे रात भर भिगो के रखें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है जिनकी बॉडी में आग लगी हुई होती है, शुगर के पेशेंट के बॉडी में से हीट निकलती है। कल आपने एक और भी बताया था, एक आपने मुझे खास तौर पे एक वो बताई थी, एक जो डंडी सी थी उसको आप डाल दें, उसके बाद सुबह उसको छान के पी लें। जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों रहता हो, ठीक है, तो ये असरोल बूटी, असरोल बूटी, इसे छोटी चंदन भी कहा जाता है, इसकी एक इंच का टुकड़ा एक गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें, इससे ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। और जो अभी मैंने एक ये पानी बताया है इसका, चिरायता, शात्रा और सरपू का। अच्छा देख लीजिए, ये चिरायता बूटी है, देख लीजिए इधर दिखा दीजिए, ये चिरायता बूटी है, ये शात्रा बूटी है जी, और ये सरपू का, सरपू का बूटी, राइट। ये तीनों बूटी जो है ये इसके इतने इतने आपने एक, लेने एक, एक, चम्मच के बराबर, एक एक चम्मच के बराबर आपने ये लेना है और ये आपने एक गिलास पानी में डाल देना है। पूरी रात ये गिलास जो है ये भीगा रहेगा पूरी रात, और पूरी रात के बाद ये गिलास भिगोने के बाद इसके बाद इसको छान के और इसके बाद आपको नहार उसका जी सुबह नहार में उसका पानी पीना है। और इससे ये है कि जैसे शुगर पेशेंट के हाथ पांव जल रहे होते हैं, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, लेजी होते हैं, कहीं जाने को दिल नहीं करता, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, चिचड़ापन महसूस होता है, हाँ। ये उसको भी दूर करेगी, उसको भी दूर, उसको भी ये थकावट फटीग जो है इसको भी खत्म करती है, खत्म कर देगी। अच्छा, क्योंकि एक्टिव हो जाता है, जैसे जैसे शुगर कंट्रोल होती जाती है पेशेंट एक्टिव होता जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब इस किस्म की कोई रेमेडी इस्तेमाल करें तो क्या शुगर की दवाएं छोड़नी है? नहीं, शुगर की दवाएं अपनी जारी रखनी है, कभी भी कोई भी रेमेडी ये तो एक सपोर्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें, साथ में अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर जारी रखें, क्योंकि अपनी मर्जी से दवाओं में रद्द बदल ना करें जो कि खतरनाक हो जाता है। आप दवाएं अपनी मर्जी से कभी ना छोड़ें, डॉक्टर आपका कोई भी दवा होगी उसमें रद्द बदल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, शुगर का शर्तिया इलाज बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक गिलास पानी के अंदर आपने बता दीजिएगा, मुझे नाम बताते रहिएगा जी, इसमें है शात्रा बूटी, ये शात्रा बूटी है जी, शात्रा बूटी, ये शात, ओके जी, शात्रा बूटी जी, ये है सरफूका बूटी, सरफूका बूटी, ये है चिरायता बूटी, चिरायता बूटी, शात्रा, सरफूका और चिरायता, ये आपने इतना इतना लेके इसमें पानी में डाल देना है, ये एक गिलास पानी है जिसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद इसको पूरी रात भिगोना है, पूरी रात भिगोने के बाद इसको छान लेना है और सुबह नहार मुंह पीना है। लेकिन लेकिन आइए बैठिए प्लीज, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, एवरीवन थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन याद रखिएगा कि हम जो भी बात करते हैं उसमें बात बहुत सिंपल है, डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। कल एक ऐसा शो है जो आप मुद्दतों नहीं भूलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। पानी सब के लिए, सब पानी के लिए। थर्ड कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2017 के मौके हिसार फाउंडेशन और न्यूज वन की जानिब से एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है। तीन बेहतरीन एंट्रीज पर 30,000 रुपए कैश और न्यूज वन पर एयरिंग का जबरदस्त मौका। पानी कहां से आता है, कहां जाता है, हम इसे क्यों जाया करते हैं, कौन है जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, आप बनाए इस अहम मौजू पर 3-4 मिनट की चौंका देने वाली फिल्म। तो आज ही हिसार फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट करें,
बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखें और जान लें पानी के बारे में, और अपनी एंट्रीज 5 नवंबर से पहले पहले hisarfoundation.com पे भेज दीजिए। 30,000 रुपए कैश और रातों रात शोहरत आपकी मुंतजर है। नतीज का ऐलान 22 नवंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स News 1 पे आपकी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म चलेगी। सो शोहरत पाइए लेकिन फिल्म बनाइए। पानी सबके लिए, सब पानी।